टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है, या एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वैसे आपको बता देता हूँ है क्या चीज़, या इसका दूसरा नाम है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। आपने ये तो सुना होगा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, हमने किया था मूविंग कॉयल में, कॉयल रोटेट करती थी मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग कॉयल करंट मेजर करता था, ये भी करंट मेजर करेगा, कॉयल नहीं मूव करेगी मैग्नेट मूव करेगा, उल्टा काम है, कोई बात नहीं, कोई तो एक मूव कर ही रहा है तो करंट मेजर करेगा। कैसे करेगा? बहुत सिंपल है, इसकी थ्योरी वगैरह कुछ करनी नहीं है, एंड में एक फॉर्मूला नोट करेंगे सफिशियंट है, वो भी इसलिए कि इमरजेंसी में अगर आ जाए तो पता हो कि करना क्या है। तो इसमें करना क्या है, सपोज आपके पास, आपने क्या करना है, एक धागे से मैग्नेट को लटकाना है, लटकाने की जरूरत नहीं है, राधर इसके टॉप पे एक मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है इसके टॉप पे ऐसे जो घूम सकती है। तो आपने मान लो उसको, आपको आपने देखा कि वो मैग्नेटिक नीडल इस तरफ है, रुकी हुई है यहाँ पे, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड भी कहाँ है, इसी तरफ है, बात खत्म। तो अर्थ का फील्ड इस तरफ है, पहला पॉइंट क्लियर है। तो आपने क्या करना है, मैग्नेट रुकी हुई है, आपने एक लूप लेना है, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, उस लूप को इसी के साथ अलाइन कर देना है जहाँ अर्थ का फील्ड है इसके ऊपर ऐसे, इसमें करंट भेजेंगे जो मेजर करना है आपने, इसमें एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, इसमें करंट जाएगा। अब लूप कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ एच, क्योंकि जहाँ मैग्नेट रुकी वही एच है और वही मेरा प्लेन भी एच के साथ है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एच इस तरफ है तो आपने कॉइल को तो यहाँ रख ही लिया, अब सोचें कि इसमें अगर करंट जनरेट हो रहा है इसे तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो सोचो H, H और F, इसमें एंगल क्या हो गया 90, और टेंजेंट लॉ भी क्या कहता था, H और F में एंगल क्या था 90। तो अब अगर मान लो H इस तरफ है और F इस तरफ है इसका, और मैग्नेटिक नीडल अब आपके साथ H के साथ लाइन थोड़ी ना होगी, क्योंकि F चाहेगा वो इधर आ जाए, H चाहेगा इधर आ जाए, तो मैग्नेटिक नीडल हवा में कहीं एंगल थीटा पे अटक जाएगी, तो एंगल कैन बी मेजर्ड कहाँ अटकी। तो आप टेंजेंट लॉ लगा देना, कैसे, जो आपने फील्ड अप्लाई किया वह एच इंटू टेन थीटा है, और आपने कितना फील्ड अप्लाई किया कॉइल की फॉर्म में, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 पाई I/R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन, इफ एफ की वैल्यू को यहाँ पुट करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड। आपको इसमें सिर्फ थीटा मेजर करना है, बाकी सारी टर्म्स आपको पता है, करंट आ जाएगा, ऐसे करंट मेजर करते हैं। इसको सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, इसको 4 और 2 को कट कर दिया, बाकी एच के नीचे 2R को नीचे ले गए, तो इसके लिए इस टर्म को जी पुट कर दिया, तो आई की वैल्यू H/G इंटू टेन थीटा आ गया, इस जी को बोला गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू H/G इंटू टेन थीटा। वैसे गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एडजस्टेबल है, पेपर में गिवन होते हैं 550, 2 बटन दबा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं, पर लेकिन आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पर फिर भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरह मूविंग मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट नीडल से मूव कर रही है, ये कैसे काम करता है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने वैसे याद किया नहीं हुआ, मैंने ये याद किया हुआ है, F इक्वल टू H tan थीटा, F को हम सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में पुट कर देंगे, फिर जो क्वेश्चन मैं आएगा तब की तब देखेंगे, तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है।